गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर थर्ड, फाइबर टू फैब्रिक। आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कीवर्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किस तरीके से वूल से हमने फाइबर से हमने वूल को ऑब्टेन किया था टेक्सचर करके, राइट। आज हम इस चैप्टर के क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट कीवर्ड, कोकून। द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू पूपा। द कैटरपिलर, कैटरपिलर का मीन्स होता है लार्वा। कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू पूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। द कैटरपिलर, कैटरपिलर सिल्क वॉर्म, मतलब लार्वा और सिल्क वॉर्म, सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं, मतलब ढके हुए होते हैं। किससे? सिल्क फाइबर से, किससे? सिल्क के धागों से। एंड टर्न्स इनटू पूपा, किसमें चेंज होते हैं, किसमें बदल जाते हैं? पूपा में बदल जाते हैं। ऐसी कवरिंग को, ऐसी कवर को क्या बोला गया है? कोकून बोला गया है। क्लियर फर्स्ट कीवर्ड? फर्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा? जो कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? पूरी तरीके से सिल्क के धागों से ढके हुए होते हैं, कवर किए होते हैं। उन उस कवरिंग को चेंज किया जाता है, किसमें? पूपा में चेंज किया जाता है। उसको क्या बोला गया? कोकून बोला गया है। फर्स्ट कीवर्ड क्लियर। सेकेंड कीवर्ड, फ्लीस। फ्लीस का मीन्स होता है द कोट ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स। फ्लीस का मीन्स होता है हेयर, बाल। तो बाल क्या होते हैं? द कोट ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स। जानवरों के शरीर के ऊपर जो कोट होता है, परत होती है, वो क्या कहलाती है? फ्लीस कहलाती है। कोट ऑफ हेयर, बालों की जो परत होती है मोटी, वो क्या कहलाती है? फ्लीस कहलाती है, राइट। थर्ड कीवर्ड क्या हमारा? रीडिंग। रीडिंग वह होता है जिसमें से कोकून में से सिल्क के धागों को निकलना। क्या होता है? कोकून में से सिल्क के धागों को निकलना क्या कहलाता है? रीडिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फॉर्म्स कोकून। कोकून में से सिल्क के धागों का बाहर निकलना, टेकिंग आउट मतलब बाहर निकलना, बाहर निकालना क्या कहलाता है? रीडिंग कहलाता है। थर्ड कीवर्ड क्लियर। फोर्थ कीवर्ड, स्क्योरिंग। मैंने आपको कल ही बताया स्क्योरिंग में क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें फाइबर्स में से डस्ट, डर्ट, गंदगी और ग्रीस को बाहर निकाल जाता है, रिमूव किया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्क्योरिंग कहलाता है। देखते हैं हम इसमें। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द शेयर्ड हेयर, मतलब शेयर्ड हेयर में से डस्ट, गंदगी को बाहर निकालना, रिमूव करना किसमें आता है? स्क्योरिंग कहलाता है। फिफ्थ कीवर्ड, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? द रियरिंग। रियरिंग का मीन्स होता है पालन करना ऑफ सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के कीड़ों का, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क के कीड़ों का पालन करना क्या होता है? सिल्क को प्राप्त करने के लिए, मतलब सिल्क के धागों को प्राप्त करने के लिए सिल्क के कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। फर्स्ट और फिफ्थ कीवर्ड क्लियर? वापिस रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट कीवर्ड क्या? कोकून। द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू पूपा। वह लार्वा जिसमें सिल्क के धागों को, जो सिल्क के धागों से क्या होता है, कवर क्या होता है, किसमें चेंज हो जाता है? इनटू पूपा, पूपा में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोला गया है? कोकून बोला गया है, राइट। फ्लीस क्या होती है? द कोट ऑफ हेयर ऑफ, मतलब जानवरों के, कुछ जानवरों की मोटी परत होती है बालों की, वो क्या कहलाती है? फ्लीस। रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून। कोकून में से सिल्क के धागों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? रीडिंग। स्क्योरिंग क्या? शेयर्ड हेयर में से बालों की गंदगी, डर्ट, ग्रीस वगैरह को रिमूव करना क्या कहलाता है? स्क्योरिंग। सेरीकल्चर, सिल्क के फाइबर्स को प्राप्त करने के लिए सिल्क के कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट कीट पढ़ेंगे हम, शेयरिंग। शेयरिंग का मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फर फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी में से बालों को रिमूव करना, बालों को मीन्स फर को रिमूव करना किसकी? फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। शेयरिंग का मीन्स होता है जानवरों की बॉडी में से बालों को हटाना, रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग। नेक्स्ट है सिल्क मथ। सिल्क मथ का मीन्स होता है सिल्क का जो कीड़ा होता है ना वो, ठीक है, रेशम का कीट। एन इंसेक्ट, वह कीड़ा हूज लार्वा स्पिन्स अ प्रोटेक्टिव सिल्कन कोकून। सिल्क कोकून की जो प्रोटेक्टिव मीन्स रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको? सिल्क के फाइबर्स को। वह इंसेक्ट कौन सा होता है? सिल्क
मथवा इंसेक्ट कौन सा होता है? सिल्क मथ, जो सिल्क के कोकुन की प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, वो क्या कहलाता है? सिल्क मथ। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म, सॉरी सिल्क वॉर्म, द लार्वा ऑफ द एग्स ऑफ सिल्क मथ दैट फॉर्म सिल्क फाइबर। द लार्वा ऑफ द एग, एग का जो लार्वा होता है ना, किसका? सिल्क मथ के एग का जो लार्वा होता है वो दैट फॉर्म सिल्क फाइबर, वो किसके रूप में होता है? एक सिल्क फाइबर के रूप में होता है। मतलब सिल्क फाइबर के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हमको एग का लार्वा की नीड होती है, वो क्या कहलाता है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का क्या वर्क होता है? द लार्वा ऑफ द एग्स ऑफ द सिल्क मथ दैट फॉर्म सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर के लिए जो लार्वा होता है एग का होता है, वो किससे? हमको उसी लार्वा से क्या मिलता है? कोकुन मिलता है। कोकुन से हम क्या सिल्क फाइबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। के सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मीन्स होता है सेपरेटिंग वूल फाइबर्स। क्या करते हैं हम? अलग करते हैं वूल फाइबर्स को, ऑब्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के माध्यम से, मीन्स हमको जो कलर्स आते हैं उनके, उसके माध्यम से वूल को अलग करना, वूल को सेपरेट करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। क्लियर? 6 to 9 कीवर्ड वापिस से रिपीट करिए। 6 to 9 कीवर्ड। 6 कीवर्ड शेयरिंग। बॉडी में, जानवरों के बॉडी में से बालों को रिमूव करना क्या कहलाता है? शेयरिंग। शॉर्ट वो सिल्क मत, सिल्क मत क्या होता है? एक तरीके से कीड़ा होता है, वह इंसेक्ट जो कि सिल्क वॉर्म के, मतलब सिल्क के कोकुन की प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है। सिल्क वॉर्म एग का लार्वा होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? सिल्क फाइबर मिलते हैं। क्लियर? शॉर्टिंग क्या होती है? सेपरेटिंग वूल फाइबर्स ऑब्टेन ऑन द बेसिस टेक्सचर। मतलब सिल्क के धागों में से, ऊन में से टेक्सचर वाले सिल्क को, टेक्सचर वाले वूल को अलग करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है, राइट? टेक्सचर के माध्यम से वूल को अलग करना, टेक्सचर के बेसिस के आधार पर वूल को अलग करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग कहलाता है। क्लियर? 6 to 9 कीवर्ड। नेक्स्ट वीडियो हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ेंगे।